जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 12 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर का, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया हरिंदर सिंह, बी अर्नब बनर्जी, सी मोहम्मद यूसुफ, डी हंसा मिश्रा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरेंद्र सिंह को जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। हरेंद्र सिंह पूर्व हॉकी भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है शिक्षक को दिया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा दो है, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है इसरो, बी नासा, सी जाक्सा, डी सीएनसा। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, इसरो को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसरो की चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2004 से प्रदान किया जा रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और ये जो है विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा तीन है, आईसीसी ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मेंडिस को चुना है, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, श्रीलंका के आईसीसी मैच 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मेंडिस को चुना गया है, वो श्रीलंका से रिलेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंदु मेंडिस को मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। महिला वर्ग में इंग्लैंड की मैया बाउचर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। प्रश्न नंबर हमारा चार है, वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर चार का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रीनिवास पल्लिया, बी मीनेसा, सी जयराज सनमुगम, डी राकेश मोहन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। सनमुगम ने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए काम किया हुआ है। प्रश्न नंबर पाँच है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हो गया, वो किस शोध कार्य से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गॉड पार्टिकल की खोज से, बी डीएनए की खोज से, सी कोविड-19 की खोज से, डी इबोला वायरस की खोज से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉड पार्टिकल की खोज से संबंधित थे। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक फिजिसिस्ट पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीटर हिग्स ने बोसोन पार्टिकल गॉड पार्टिकल के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बोसोन पार्टिकल जो है, बोसोन और सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गॉड पार्टिकल के तहत ये समझाने की में मदद मिलती है कि किस प्रकार की बिग बैंग घटना जो है, बिग बैंग घटना के बाद सृष्टि की रचना हुई थी। आगे है प्रश्न नंबर छः, WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, WHO के अनुसार हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में 2022 में 1.2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में संक्रामक हेपेटाइटिस वायरल बीमारी से भारत में 1.23 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। दुनिया भर में हेपेटाइटिस के
खतरे को जो है कम करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। प्रश्न नंबर 7 है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सिंगापुर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में करने का निर्णय लिया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर प्रॉस्पेरिटी मई फ्रेमवर्क सिंगैप 2022 में लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, हॉटेस्ट गीजर जो है ये अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। जैसे कि हमारा अफ्रीका का मैप कुछ इस प्रकार का होता है, तो अफ्रीका के उत्तरी बिंदु से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव तक जो है इस प्रकार जो है इन्होंने दौड़ कर लंबाई को तय किया है, तो ये पहले व्यक्ति बने हैं। ब्रिटिश व्यक्ति रस कुक अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। रस कुक को हार्डस गीजर के नाम से भी जाना जाता है। मैराथन धावक रस कुक ने 352 दिन में 16 देशों की यात्रा करने के बाद पूरे अफ्रीका में अपनी दौड़ पूरी की है। कुक ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी अभियेकी गाँव एल अगुलहास से अपनी साहसिक यात्रा शुरू की थी। प्रश्न नंबर 9 है, स्विगी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहाँ से शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कारगिल, बी श्रीनगर, सी देहरादून, डी शिमला। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, श्रीनगर से स्विगी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू किया है। स्विगी ने पानी पर भी अपना फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है। प्रश्न नंबर 10 है, शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी, बी साहित्य अकादमी, सी जी डी बिरला फाउंडेशन, डी नेशनल स्कूल ड्रामा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किया गया है। यह उत्सव 9 से 17 अप्रैल तक भारत के 7 अलग अलग शक्ति पीठों पर आयोजित किया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी देश भर में मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन कर रही है। तो आज का करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।